सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारे पास है दो बाइक, एक है इस होंडा की साइन और दूसरी है टीवीएस की रेडर। टीवीएस की रेडर 125 सीसी है, होंडा की साइन 125 सीसी है। साइन में सिर्फ 4 गियर आते हैं और रेडर में 5 गियर आते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होता है, बाकी गोप्रो पे बात करते हैं। हमारे पास जैसा कि मैंने भी बताया आपको, दो बाइक हैं यहाँ पे, एक है रेडर और एक है साइन। दोनों का कंपैरिजन करेंगे रेस करके। साथ में आशीष भाई हैं मेरे और हम लोग रेस करेंगे, देखेंगे ताबड़तोड़ रेस करके कि क्या परफॉर्मेंस होता है, कौन सी बाइक विन होगी। यहाँ पे प्राइस उसका भले ही ज़्यादा हो लेकिन उसमें 5 गियर है भाई, प्राइस के साथ 5 गियर है, इसमें 4 गियर हैं और दोनों 125 सीसी हैं। और वो भाई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी बाइक आती है, आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको कंसोल में देख सकते हो। ये देख लो, आपको यहाँ पे एक इको मोड आता है, एक पावर मोड आता है। पावर में ही वैसे हम लोग चला रहे हैं अभी, और बाकी आप लुक देख सकते हो इसका, काफ़ी बेहतर है। और ये काफ़ी पुरानी है, BS4 बाइक है, वो BS6 है। और दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है दोनों बाइक का, अगर जो हम एक रेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कौन सी बाइक जीतेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड मैं चलाऊँगा CB साइन है ये। पावर था तगड़ा थोड़ा, मुझे इनिशियली फील हुआ इसमें कि पावर है। अब बाकी वो कब तक निकलते हैं कब तक नहीं निकलते हैं, मेरे पीछे ही हैं फिलहाल वो। यार इसका गियर फंस गया जिसकी वजह से पीछे हो गया, बट ऐसा होगा नहीं, अभी ये पीछे हो जाएगी। साइन को मैं हरा दूंगा भाई, साइन हार गई। फिलहाल तो मेरे पीछे हैं वो और मैं पूरा लीन हो जाता हूँ। और 3 गियर अभी तक डाले हैं मैंने, चौथा गियर लग चुका है भाई, पता ही नहीं चला मुझे। चौथा गियर डाल दिया मैंने, वो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। अबे भाई ये क्या था भाई, ये क्या था। ये क्या था भाई, ये आगे इतना कैसे जाल चली गई। गियर फंस गया था, जब तक इसको लेते तब तक वो रह गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो सेकंड राउंड करते हैं हम लोग, अब लंबा करेंगे इस बार। मैं वही चलाऊं कि कौन सी चलाऊं? मैं यही चलाऊं ना। चलो मैं राइडर स्विच नहीं करते हम लोग, मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ क्योंकि इनका गियर मिस हो गया था और हम लोग ये बार कंटिन्यू रेस करेंगे। इस बार भी थोड़ा आगे हम निकले हैं और आशीष भाई बगल में है इस बार, साथ में समझो, और शायद चारों गियर मैंने लगा दिए हैं और तगड़ा लीन होना पड़ रहा है मुझे। भाई साइन आगे है अभी भी, पांच गियर होने के बाद भी इसको फायदा क्यों नहीं मिल रहा भाई, मिलना चाहिए फायदा, मिलेगा मिलेगा। और अभी साइन अपनी हार जाएगी और इस बार भी आगे नहीं निकले हैं ये, और इस बार रेडर आ गई है मेरे ख्याल से मेरे पास में।
भाई बगल में ही है। फाइनली साइन पीछे हो ही गई क्योंकि इसका 110 11 जा रहा है और अभी अपने सुमन भाई हो गए हैं पीछे। रेडर इस बार निकल गई है आगे। रेडर निकल गई है आगे भाई। ये भी 110 के आसपास में चल रही है। 107 या 105 चल रही है। 105 6 105 6। और वैसे यार दोनों में काफी अच्छी टक्कर है, ज्यादा गैपिंग नहीं है दोनों ही बाइक में। यहाँ पे रेडर विनर है 5 गियर की वजह से, उसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। उसमें आपको 5 गियर मिलते हैं तो यहाँ पे 5। अभी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ शुभम भाई, साइन एसपी जो सीवी साइन है ना 4 गियर है और बल्कि इसमें 5 गियर है, काफी अच्छा कंपनी। तो सीवी साइन में भाई 4 गियर हैं और जिसके कारण इसका इनिशियली काफ़ी बढ़िया था और लेकिन 4 गियर के होने की वजह से पीछे रह गई रेस में, ये जीत गई और रिजल्ट आपके सामने था। होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। राइड से हेलमेट ऐसा पहन के चलो, सेफ राइड करो, बाय बाय।